नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद है मेरे साथ ताजनगरी आगरा में, और आगरा में आपको बता दें कि इस वक्त मौजूद है मेरे साथ राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद जी, और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये गांव-गांव और घर-घर किन मुद्दों को लेकर अपना प्रवास कर रहे हैं, और आगरा में इनका आज प्रवास रहा है तो जानते हैं क्या कुछ कहना है। उत्तर प्रदेश में भोजवाल समाज की लगभग 80 लाख लोग निवास करते हैं, जो विभिन्न नाम से अपने अपने जिलों में टाइटल लगाते हैं। कहीं पे गुप्ता लिखते हैं, कहीं पे चंद्रा, कहीं पे सक्सेना, कहीं पर मोदनवाल। उन विभिन्न नामों के वजह से हम लोग बटे हुए हैं। इन नामों को हम लोग एकत्रित कर एक राष्ट्रीय स्तर पर भोजवाल सरनेम को हम लोग मान्यता दिलाने के लिए प्रयासरत हैं कि इस भोजवाल सरनेम के तहत सभी लोग आवें और उत्तर प्रदेश में राजनीति में अपनी हिस्सेदारी की मांग करें। इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? बराबर उत्तर प्रदेश के हम विभिन्न जिलों में जा रहे हैं, समाज के लोगों को जागृत कर रहे हैं, समाज के लोगों से मिल रहे हैं और उनको भोजवाल सरनेम लगाने की प्रेरित कर रहे हैं। किन किन जिलों में आप पहुंचे हैं, क्या रहा? अभी हम लगभग उत्तर प्रदेश के लगभग 45 से 50 जिलों का दौरा कर चुके हैं, और 14 मई को लखनऊ में राजनीतिक अधिकार भोजवाल महाकुंभ कर रहा हूं। उसमें पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ लगभग हिंदुस्तान के 8-10 राज्यों से लोग पिछली महाकुंभ में आए थे, उसी प्रकार इस महाकुंभ में भी हम उनको आह्वान कर रहे हैं कि अपने हक अधिकार के लिए वो लखनऊ आवे और राजनीति में हिस्सेदारी प्राप्त करें, क्योंकि हमारा समाज बहुत ही पिछड़ा वर्ग से आता है। इसकी हर पार्टियों ने अनदेखी की है, कोई किसी भी पार्टी ने हमारे समाज को अभी राजनीति में स्थान नहीं दिया है। कुछ 70 साल का इतिहास रहा है, ना हमारे समाज का कोई सांसद है और ना ही कोई विधायक है। इसलिए हम लोग अपने समाज को जागृत कर लगभग 3% की वोट बैलेंस है जो कि वो सत्ता परिवर्तन करने का मादा रखता है, लेकिन हम विभिन्न नामों में बटे होने के कारण हम इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। इसके तहत हम लोग लखनऊ के अंदर राजनीतिक अधिकार भोजवाल महाकुंभ करने जा रहे हैं, और 2024 के लोकसभा चुनाव में हम अगर कोई पार्टी हमारी जात को सांसद या विधायक का टिकट नहीं देती है तो हम उनको निर्दलीय लड़ाने का काम करेंगे, या हम अपनी पार्टी से राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी से उनको लड़ने का काम करेंगे। अच्छा, आज आगरा पहुंचे हैं आप, तो के समाज के लोगों से संपर्क किया, क्या रहा? आगरा में हम कल आए थे और आगरा के समाज के लोगों से मिले, लोगों को जागृत किया, और अभी हाल में भाई सुरेंद्र सक्सेना जी द्वारा बताया गया कि 22 अप्रैल को आगरा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम हो रहा है। इसमें आगरा के लोगों, मैं समाज के लोगों से अपील करता हूं कि वो अधिक से अधिक आवें। अगर जिनकी निर्धन कन्याएं हैं, जो शादी नहीं कर सकते हैं, वो इस महासम्मेलन में आकर अपनी कन्याओं का विवाह करें, ताकि जो है क्या नाम, जो दहेज कुरूति है उसका समापन किया जा सके। इसके साथ ही साथ मैं 22 अप्रैल को पुनः आगरा आऊंगा और समाज के लोगों से पुनः आग्रह करूंगा कि 14 मई को वो लोग लखनऊ आए और अपने हक और अधिकार की मांग करें। मैं सुरेंद्र कुमार सक्सेना, प्रदेश अध्यक्ष सक्सेना महासभा उत्तर प्रदेश। आज भारतीय राष्ट्रीय अखंड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार आजाद जी आज हमारे निवास पर आए। उन्होंने समाज के लिए समाज से अनुरोध करा, समाज से अनुरोध किया कि 14 मई को महाकुंभ, भोजवाल महाकुंभ का आयोजन वो लखनऊ में करने जा रहे हैं, जिसमें अपने समाज के राजनीतिक की लड़ाई की बात करेंगे। समाज एक संगठन करने के लिए पूरे जिले जिलों में जो दौरा कर रहे हैं, अब भाई आजाद भाई के द्वारा बताया गया कम से कम उन्होंने 45 जिलों का दौरा कर लिया है। आगरा में भी कल रात से ही प्रवास करे हुए हैं, हर घर घर के दरवाजे पहुंच रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं और समाज को एकत्रित कर रहे हैं, और 14 मई को लखनऊ बुलाने का आह्वान कर रहे हैं। और अब ये आए हैं आगरा, तो मैंने भी इनसे वादा किया है कि 22 अप्रैल को 14वां सामूहिक विवाह समारोह सक्सेना महासभा सक्सेना समाज की धर्मशाला पर आयोजित किया जा रहा है, उसमें जो आए और वहाँ हजारों की संख्या में जो 4-5 हज़ार लोग आते हैं, तो वहाँ 4-5 हज़ार लोगों के सामने अपनी बात को रखें, अपनी बात को उनके पास पहुँचाएँ। और मैं भी वादा करता हूँ कि समाज को अधिक से अधिक 14 मई को वहाँ ले जाने में पूरा सहयोग करूँगा। राष्ट्रीय भारतीय अखंड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया है कि भुर्जी भोजवाल समाज को एकजुट करने के लिए वह जिले जिले गांव गांव पूरे भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने लखनऊ में 14 मई को एक महाकुंभ का आयोजन किया है, जिसमें समाज के सभी लोगों को बुलाने के लिए वह घर घर और गांव गांव जाकर, जिले जिले जाकर सब लोगों का आह्वान कर रहे हैं और सब लोगों को एक सूत्र में परोने के लिए वह यह
निर्णय ले चुके हैं और उन्होंने बताया कि हमारी समाज को राजनीतिक भागीदारी में आज तक कोई हिस्सेदारी नहीं मिली, हमारी समाज को लोग उपयोग कर रहे हैं, इसके लिए हम जबकि हम 3% हैं और हम सब एकत्र होकर 14 मई को हुंकार भरेंगे और सभी राजनीतिक पार्टियों से राजनीति हिस्सेदारी की मांग करेंगे और जो पार्टी हमारी समाज को राजनीति हिस्सेदारी देगी हम उसी का साथ देंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि आगरा में 22 अप्रैल को होने वाले सामूहिक विवाह समारोह में सभी लोगों से अपील है अधिक से अधिक जनसंख्या में पहुंचे और अपने बेटे बेटियों का विवाह करें और शिक्षा पर जोर दें। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।